गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है, क्या सुबह सुबह उठते ही, कल मैंने रात को कोको ने बिल्कुल रोटी नहीं खाई। मैंने कहा चलो उसका दिल नहीं होगा कोको का, तो बहुत बोला, बहुत खिलाई, मुंह में डाली, इसने रोटी नहीं खाई। तो आज सुबह भी उठते ही ऊपर छत पर नहीं गई, यानी कि इसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, नहीं तो छत पर जाना तो बिल्कुल छोड़ती नहीं है। तो इसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, चीना और मैं, इंजेक्शन लगेगा तो ये सही होगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, मेरे को लग रहा है जैसे इसको बुखार हो गया होता है, तो इसकी लेने जा रहे हैं दवाई या इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं इसको। बिल्कुल सुबह से उठी नहीं, अब देखो इसको चीना तैयार कर रही है इसको कि चल, और ये बिल्कुल चलने को तैयार नहीं हो रही है, ये तो छत से आती ही नहीं है। और कोको को देखो भूखी जा रही है, भूखी जा रही है कि ताकि मेरे को भी जाना। कोको को यहाँ लेके आए थे तो डॉक्टर ने बोला इसको कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गैस वगैरह होगी तो खाना खा लेगी, हमें चिंता लग जाती है ये खाना क्यों नहीं खा रही, खाना क्यों नहीं खा रही। और अब यहाँ पर आके इसकी कटिंग करवा दी है हमने और इसको नहला भी दिया है, वो कह रहे हैं इसको कपड़े मत पहनाओ तो आप ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर कोको के सारे हमने टेस्ट भी कराए, मैं घर जाके आपको बताती हूँ कि हमने इसके टेस्ट क्यों करवाए। आलू उबाले थे आलू की सब्जी बनाने के लिए, तो चीना कह रही मम्मी आप मुझे टोस्ट बना के दो, मैं टोस्ट भी खा लूंगी, आलू की सब्जी भी खा लूंगी। बस मैंने जरा से ही इसकी पिट्ठी बनाई है आलू की, साथ में प्याज डाल दिए, तो इसके लिए टोस्ट बना रही हूँ, तो ये टोस्ट खा लेगी, हम आलू की सब्जी बना लेते हैं अपने लिए। भैया शाम की मज़ेदार चाय भी बन गई है, ये पी के चले गए, मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। मैंने देखो गाइस ये बनाया है मोटे पीस का, ये पतला पीस है, ये मोटा पीस है, मोटा पीस कोई बच्चा नहीं खाता, तो मैंने अपने लिए चीना को तो मैंने पतले पीस के दे दी, मोटे पीस का भी बना दिया कि ताकि वेस्ट ना जाए, मोटा पीस हमेशा वेस्ट जाता है। शाम के 7 बज चुके हैं, बस मैं दुकान पे जा रही हूँ, इनका फोन आया कि भाई आ जाओ, तो मेरे को दिमाग भी नहीं रहा, मैं काम कर रही थी, कपड़े ऊपर से उतार के लाई थी तो कपड़े लपेट रही थी, तो मैं जा रही हूँ दुकान पे। और कोको बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अपने छत पे चली गई है, और कुछ भी अब डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो छत पे चली गई है, अब अपना छत पे बैठी हुई है और पूछी अपना नीचे है। कोको अपना लेटी हुई है आराम से, देखो अब रात को कोको ने खाना खा लिया, कल रात को कोको ने खाना नहीं खाया और सुबह भी उठ के ऊपर नहीं गई, तो मेरे दिमाग में एकदम टेंशन होगी, मैंने कहा ये तो लड़की सुबह भी उठ के नहीं गई तो ऊपर भागती है, नीचे लेटी हुई है, इसको बुखार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। चीना और मैं फटाफट डॉक्टर के पास लेके भागे, डॉक्टर कहता है इसको कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं बुखार नहीं है, कहता नहीं है, मैं कहा पेट चेक करो, कहता कुछ भी नहीं है, ये अपने आप खाना खा लेगी। अब इसने आज रात को खाना खा लिया, यानी कि हमें दिल की तसल्ली हो गई है कि इसने खाना खा लिया। और मैंने आपको बताया था ना मैंने इसके सारे टेस्ट कराए हैं, मैंने टेस्ट क्यों कराए मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि जब पूछी के घर बेबी हुआ था तो उसका पेट में ही बेबी ख़त्म हो गया था, तो उसके साथ ही हमने उसकी मतलब कि यूटेक्स रिमूव करवा दी थी कि हमने अब दोबारा नहीं की बेबी कराना, एक बार बेबी पूरा हो गया, हमारा दिल नहीं था कि हमारे बच्चे बहुत परेशान हो, और इसको हमने ऑपरेशन करवा दिया था, साथ ही साथ बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और साथ ही ऑपरेशन करा दिया कि ताकि हमें दोबारा बच्चे नहीं चाहिए। अब कोको जो है 5 साल की होने वाली है, ये 5 मार्च को 5 साल की हो जाएगी, तो चीना ने इसके सारे टेस्ट करवाए हैं, इसका भी यूटेक्स रिमूव करवाना है, तो हम अभी गोलू के घर जा रहे हैं, जब गोलू के घर से वापसी आएंगे तो डॉक्टर को हम दिखाएंगे इसको, एक दिन में इसका ऑपरेशन हो जाएगा, 5 दिन तक डॉक्टर के पास रोज जाना पड़ेगा, उसके बाद 8-10 दिन में इसके टांके खुल जाएंगे, यानी कि हमें इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर चीना ऑपरेशन कराएगी। जैसे ही हम गोलू के घर से आएंगे ये काम करेंगे, इसलिए डॉक्टर ने टेस्ट पहले कर लिए, वो कहते हैं टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि कोई कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी है इसके अंदर ऑपरेशन कराने के लिए कोई ना कोई कमी आती है तो हम अभी से दवाई चालू कर देंगे। आज टेस्ट करवाए हैं, कल हमें रिपोर्ट मिलेगी, तो कल मैं पूछी को लेके जाऊँगी साथ, इसके पापा के साथ, पूछी की भी कटिंग करवा के लाऊँगी, और पूछी के भी नीचे ना थोड़ी थोड़ी स्वेल हो रहा है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं स्वेल हो रहा है, कोई गिल्लड़ तो नहीं बन रहा, ऐसे ना हो अल्ट्रासाउंड कराना है, पता नहीं चलता बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ जाए, तो वो भी दिखाना है और साथ में पूछी की कटिंग भी करानी है। यानी कि डॉगीज को पालना कोई आसान नहीं है, बहुत इनकी केयर करनी पड़ती है, इनको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, इनको रेबिस के इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, इनको हर साल इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, ताकि ये किसी को काटते नहीं हैं, फिर भी हमें इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो अब मतलब कि कोको का भी हम ये इसी 5-7-10 दिन के अंदर अंदर इसका भी यूटेक्स रिमूव करवा देंगे। तो मैंने एनी टाइम फिटनेस की मेंबरशिप ली है, ये है सुभाष नगर वाला, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है, इन्होंने मुझे साथ में ये दिया बैग, और ये तो स्लिप है उसकी,
इसमें एक कार्ड है, मतलब जो कार्ड होता है जो लगता है वो है, और एक साथ में मिला है मुझे स्टिकर एनीटाइम फिटनेस का, प्यारा। और मैं आपको पता है इन खोलना मम्मी हल्का सा बैग है, इसमें ना ये था पॉकेट सी, खोलो मम्मी फट जाएगी, निकलवा लो मत, पॉकेट सी थी। मैं सोच रही क्यों है क्यों है समझ नहीं आया, फिर मैंने बाद में देखा कि यहाँ पे जिप थी, इधर हम शूज डाल सकते हैं अपने, मतलब जैसे जो भी शूज होगा नहीं पहनने होंगे या कुछ, तो ये बहुत अच्छा बैग लगा मुझे, अच्छा था। और ये सिपर था साथ में, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, साल की मेंबरशिप ली है, मैंने पूरे साल की मेंबरशिप ली है गाइस, दिखाती हूँ। तो गाइस ये है वो कार्ड जिसके साथ मेरी एंट्री होगी, इसके बिना मेरी एंट्री होगी ही नहीं, मतलब ये सबसे बेस्ट कार्ड, जैसे लगाया एंट्री करी और उनको पता चल जाएगा अपना कि बंदा कब आया कब नहीं, इसके बिना नो एंट्री। और ये 12 साल मतलब 12 मंथ्स की है, 1 साल की, जो मुझे 21,000 की पड़ी, और बिल्कुल सही है, वैसे भी नॉर्मली हम जिम करते तो इतना ही पड़ता है अगर मंथ वाइज दे तो। मैंने आज लिया है लेकिन मैं जाऊंगी 23 फरवरी को, क्योंकि कृतिका के फंक्शन से आकर ही जा पाऊंगी, अभी तो मैं जा नहीं पाऊंगी, तो मैंने स्टार्टिंग डेट 23 फरवरी की करा ली। और ये यहाँ पर है सुभाष नगर में, खुला नया खुला था, मेरे को तो अच्छा लगा बहुत, आप भी अगर यहाँ रहते हैं कोई आसपास तो जा सकते हैं इस जिम। मम्मा बिल्कुल भी बाज नहीं आती है, फिर मेरे को चावल दे दिए, क्या सीन है आपका ये? अच्छा फिर तो फिर आगे तो फिर क्या, मैंने फिर गोभी मटर वाले चावल बना दिए, इसलिए बनाए कि चलो लड्डू गोपाल जी को साईं बाबा जी को भी भोग लग जाएगा, इसमें कोई प्याज नहीं डाला, कोई प्याज नहीं, मैंने तो अपनी गोभी बिल्कुल अलग कर देती हूँ, मैंने कहा बिल्कुल गोभी नहीं आनी चाहिए मेरी, गोबा वोबा बहुत, इतनी बड़ा बड़ा गोबा डाल देती है मम्मी, होता नहीं बहुत बड़ा, सॉफ्ट होता है लेकिन आपको पता नहीं क्या टेस्टी लगता है उसमें। मुझे गोभी वाले चावल गाइस बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, है क्या अच्छा उसमें। एक मुझे डोसा बहुत पसंद है, हाँ डोसा मैं मानती हूँ, डोसा और एक गोभी वाले चावल। गाइस देखो चौमिन मैं नहीं खाती, मैगी मैं नहीं खाती, कोई भी ऐसा क्या क्या नहीं खाती पता, जो स्प्रिंग रोल हो गए कुछ भी नहीं खाती, गिल्ले गिल्ले के आलू होते हैं, क्या होते हैं हन्नी वाले, हाँ खाई जा रही है, गिरी जा रहे हैं, खाने में भूख लग रही है, मैं कुछ भी नहीं खाती। जब मैं किसी के जाती हूँ ना, स्नैक्स आते हैं, स्नैक्स गिनती के 2 स्नैक्स नहीं मुझे समझ आते, और जहाँ पर गोलगप्पे पापड़े भल्ले नहीं होते ना, वहाँ मेरे को शादी में मजा नहीं आता। कोई नहीं, गोलू के वहाँ पे होंगे, नहीं गोल वही स्नैक वो है, मैंने पूछ लिया, अरे फंक्शन तो होगा, अरे फंक्शन है, पापड़े गोल भल्ले नहीं है, क्यों वो स्नैक्स दूसरे रखवा रहे, कौन से जैसे आप लोग खाते हो सारे, चलो कोई नहीं, स्प्रिंग रोल ये रोल वो रोल, वो मेरे रोल मेरे पसंद के नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ मैं कहने लगी थी, मैं कहा मेरे पीछे तुम ना बेचारे रखवाएंगे, जो होगा वही खाएंगे। गोलू का मुझे फोन आया कि मम्मी मैं सुबह शाम जब पूजा करती हूँ ना तो साईं बाबा जी का पाठ करती हूँ, पर मेरे पास साईं बाबा जी नहीं है, तो आप मुझे छोटे से साईं बाबा ला के दो, ज़्यादा बड़े मत ला के देना, तो छोटा सा मंदिर है, इतनी जगह नहीं है, क्योंकि और भी बड़ी सारी मूर्ति है, जैसे माता की होगी, कई हो जाती हैं, लड्डू गोपाल जी की है, कई हैं, तो मम्मी इतनी जगह नहीं है, मुझे छोटी सी ला के देना। तो आज चीना और मैं मार्केट गए थे, वहाँ से हम छोटे से साईं बाबा ले के आए हैं, और बिल्कुल प्योर संगमरमर के, एक तो होते हैं ना कि मिट्टी के बने होते हैं, तो वो जैसे रहते हैं वैसे ही, वो कहते हैं ये वाले बिल्कुल प्योर संगमरमर में, आप इनको नहलाओ धुलाओ पानी डालो, मिट्टी मिट्टी जैसे हो जाती है, इनको पानी के नीचे डाल दो तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, कुछ भी है तो मैं अच्छे से अच्छे, मैं कहा नहीं बेटी को देनी है, तो अच्छे से अच्छे मैंने उसको बोला कि आप मुझे दिखाओ मूर्ति साईं बाबा जी की, तो मैं छोटी सी लेके आई हूँ। गाइस आज तक गोलू ने कभी मुझसे कोई डिमांड नहीं की कि मम्मी मुझे ये ला के दो, मम्मी मुझे वो ला के दो, वो कहती नहीं मम्मी आप कुछ मत ला के दो, सब चंडीगढ़ मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो पता नहीं आज कैसे उसके दिमाग में मुझे फ़ोन आया कि मम्मी आप मुझे, आप जब बेबी शावर पर आओगे तो आप साईं बाबा जी साथ लेके आना, तो मैं ले आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लेके आई हूँ। ये देखो गाइस छोटे से साईं बाबा है, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल पत्थर के हैं, बिल्कुल मार्बल के हैं, उस पर कलर किया हुआ है, पता ही नहीं, मेरे पास तो वाइट है इसलिए मैं कपड़े कुपड़े पहनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ये ऐसे ही हैं, तो ये गोलू ऐसे भी रख सकती है, यानी कि इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, बहुत सुंदर है। इससे बड़े भी थे, चीना बार बार कह रही थी मम्मी बड़े ले लो बड़े ले लो, फिर गोलू को मैंने वीडियो कॉल किया तो गोलू ने बोला मम्मी जी अब छोटे से ला के देना, मेरा मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, अब छोटे से ला के दो, कोई बात नहीं, छोटे हो बड़े हो भगवान तो भगवान है ना, मैंने तो पूजा करनी है, प्लीज़ आप साईं बाबा जी की, मैं जब भेंटें सुनती हूँ मुझे साईं बाबा जी की बहुत याद आती है, मेरा बड़ा दिल करता है, जैसे आपके मेरे साथ गोलू बहुत गई है शिरडी, तो उसका दिल है कि मैं दोबारा शिरडी जाऊँ, मेरे को उसने कहा,
तो मैं उसके कहने से ले आई। गाइज आपको कैसे लगे हैं साईं बाबा जी आप जरूर बताना, बहुत अच्छी मूर्ति है और साईं बाबा जी के चेहरे पे कितना नूर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है और मौज की आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके फॉलो करो। मिलते हैं आपको कल नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।